गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 56, यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट। वेंटिलेटर एंड एग्जॉस्ट फैंस आर प्लेस यूजली नियर द सीलिंग ऑफ अ रूम बिकॉज ऑफ द एयर वी ब्रीथ आउट इन द वार्मर एंड लाइटर, सो इट इज गो आउट थ्रू द वेंटिलेटर। दिस कॉज a drop in the pressure in the room. This more fresh air enter the room through the window and the door. देखिए जो वेंटिलेटर होते हैं और जैसे ये हमारा रूम है, वेंटिलेटर हमेशा कहाँ ऊपर लगाए जाते हैं और विंडो हमेशा कहाँ होती है, वेंटिलेटर ऊपर और विंडो कहाँ हमारी नीचे बिलो होती है, तो वेंटिलेटर अपसाइड में होते हैं। क्यों होते हैं वेंटिलेटर अपसाइड? जैसे ही देखें जैसे क्या होता है, हमारे रूम का टेम्परेचर राइज हुआ और यहाँ पर एयर क्या हो गई, हॉट हो गई। अब हॉट एयर क्या होती है, लाइट होती है, ये ऊपर जाएगी। जैसे ही हॉट एयर ऊपर जाएगी तो क्या होगी, वेंटिलेटर से वो बाहर चली जाएगी, उससे रूम में क्या होगा, जैसे ही हॉट एयर ऊपर गई यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हुआ प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हॉट एयर कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। जैसे ही हॉट एयर ऊपर गई तो हमारा यहाँ पर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो क्या कहना चाहिए, कूल एयर है वो विंडो से हमारे अंदर आ गई। ठीक, तो देखिए सीधी सी बात है, हमारी ये हमारे डोर है, डोर में ऊपर क्या होता है, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर अपसाइड में होता है और विंडो डाउन साइड में होती है। जैसे ही हमारा रूम का टेम्परेचर बढ़ा तो एयर कैसी हो गई, हॉट। हॉट एयर कहाँ जाएगी, लाइट होके राइज अप हो जाएगी, क्योंकि लाइट होती है तो राइज हो जाएगी, राइज हो गई, वो राइज अप हो गई और ऊपर चली गई। और उसके बाद गोज आउट बाय द वेंटिलेटर, वेंटिलेटर से बाहर चली गई। उसके बाद अब यहाँ पर प्रेशर क्या हुआ, ड्रॉप हो गया। जैसे यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हुआ तो वो लेयर है वो विंडो से हमारे रूम में इंटर कर जाती है। तो ये भी कन्वेक्शन करंट का ही एग्जांपल है। स्मोक एंड गैसेस बीइंग हॉट राइज एंड एस्केप थ्रू चिमनी इज इंडिविजुअल फ्यूरेंस। देखिए स्मोक और गैस होती है तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में ऊपर चिमनी लगी होती है, क्यों, ताकि हॉट एयर क्या हो, हॉट एयर हमारी लाइट होती है तो हॉट एयर राइट होके, लाइट होके क्या होगी, ये राइज अप एंड ऊपर जाएगी और चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा और यहाँ पर ठंडी हवा आ जाएगी, कोल्ड एयर। हीटर एंड ब्लोअर हीट द रूम बी सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट। अब हमारा हीटर कैसे करता है, हमारे रूम में क्या है, कोल्ड एयर, तो हीटर ने क्या दी, हीट दी। जैसे ही हीटर ने हीट दी तो ये जो कोल्ड एयर है ये क्या है, हमारी भारी है, वेट है, और जो हमारी हॉट एयर है वो हल्की है, तो हॉट एयर कहाँ चली गई, ऊपर, और इसकी जगह किसने ले ली, कोल्ड एयर ने, और ये पूरा रूम ऐसे ही हमारा गर्म हो गया, वार्म हो गया। फायरमैन यूजली क्रॉल व्हाइल एंटरिंग अ बिल्डिंग वेयर फायर हैज ब्रोकन आउट बिकॉज द हॉट एयर एंड द स्मोक राइज अपवर्ड। हमेशा जो क्रॉयल मैन होता है, वैसे सॉरी फायर मैन होता है, वो क्रॉयल करके जाता है, खड़े होकर बहुत कम जाता है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर कैच कर ली है, क्यों जाता है वो, नीचे क्या होती है, लाइट एयर होती है। जैसे ही वो क्रॉयल करके जाएगा तो हॉट एयर एंड द स्मोक राइज अपवर्ड। नीचे क्या है, हमारी कोल्ड एयर है, नीचे कैसी है, कोल्ड एयर, क्योंकि वो क्या है, वेट वाली है। ऊपर क्या है, हमारी राइज में हॉट एयर है, हॉट एयर क्या करेगी, हमको बर्न कर सकती है, तो इसीलिए वो क्रॉल करके जाता है जहाँ नीचे क्या है, कोल्ड एयर, क्योंकि हॉट एयर जितनी भी होगी वो लाइट होकर राइज अप हो जाएगी। सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन कोस्टल एरिया द ब्रीज जनरली ब्लो फ्रॉम सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे एंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। At night the breeze blow land to sea and it's called land breeze. Sea breeze and land breeze are actually convection current. ये देखिए ये हमारा sea breeze है, ये देखिए। अभी देखिए day में sun क्या है,
लैंप को जल्दी हीट कर देगा जबकि वाटर को हीट होने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही सन लैंप को हीट करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर राइज हुआ और यहाँ की एयर क्या हो गई, हॉट होके राइजअप हो गई, और राइजअप होने के बाद यहाँ पर प्रेशर बना, प्रेशर कम हुआ। जैसे ही यहाँ पर प्रेशर कम हुआ तो जो है लैंड के ऊपर, क्योंकि लैंड अभी हीट नहीं हो पाया, लैंड एयर से हीट होता है, तो लैंड हीट नहीं हुआ तो इसकी यहाँ पर कैसी है, कोल्ड एयर है। यहाँ पर प्रेशर कम हुआ तो कोल्ड एयर वार्म एयर की जगह लेने आ गई, और वार्म एयर ने क्या किया, राइजअप होके कोल्ड एयर की जगह ले ली। तो सी ब्रीज हमारी बे में होती है और इसमें वार्म एयर लैंड टू सी चलती है और कोल्ड एयर सी टू लैंड। तो हमारी सी ब्रिज क्या कहलाती है, ड्यूरिंग द डे चलती है। लैंड ब्रिज सेम उल्टा होगा। अब जितनी जल्दी कोई भी चीज़ ठंडी होती है, अभी देखिए, अब हमारी नाइट में हमारा जो वाटर की जगह लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। हमारी जो लैंड है वो कूल हो जाएगी और हमारा जो वाटर है वो वार्म ही रहेगा। जब हमारी वार्म एयर है, सी के ऊपर वाली एयर कैसी है, क्योंकि उसको कूल होने में टाइम लगता है, तो सी के ऊपर वार्म एयर है और वार्म एयर राइजअप होगी। राइजअप होने से यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर प्रेशर हुआ तो लैंड जल्दी कूल हो गई है, तो यहाँ की एयर इसकी जगह ले लेगी और जो वार्म एयर है वो हमारी लैंड पे आ जाएगी। तो वार्म एयर क्या होगी, सी से लैंड पे चलेगी और कोल्ड एयर लैंड से सी पे चलेगी। वाटर बींग अ बैड कंडक्टर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हीट अप, देन ये मैंने अभी बताया क्यों। अच्छा, ये हमने इसलिए बताया कि सी क्यों देर से गर्म हो रहा है, क्यों उसको टाइम लग रहा है हीट होने, बिकॉज वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हीट का बैड कंडक्टर है, इसीलिए उसको वार्म होने में टाइम लगता है।